अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको घर की मलाई से देसी घी निकालने का तरीका सिखाऊंगी। ये मलाई थी, काफ़ी दिनों की फ्रीज की हुई थी। रोज़ाना दूध पे से थोड़ी थोड़ी उतार के जमा करते रहते, फिर ये सुबह हमने फ्रीजर से निकाल के रख दी और अब इसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और साथ साथ चमचा जो है ना चलाते रहना है। ये देखें फ्रेंड्स, इसको ना बॉयली आ रही है और इसको साथ साथ जो है ना चमचा चलाते रहें ताकि ये जो है ना नीचे ना लगे। ये सारी जो है ना आप देखें मेल्ट हो गई है तकरीबन। इसको साथ साथ जो है ना चम्मच चलाते रहेंगे। हमारे घर में जो है ना देसी घी जो है ना घर में ऐसे ही निकाल के ना यूज़ किया जाता है। हम लोग रोटी पे लगा के, सालन में डाल के और जैसे भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा भी होता है और मिलावट भी नहीं होती है इसमें, और अपनी आंखों के सामने घर में निकाला होता है खुद से तो बाहर का जो होता है ज़रा डर ही होता है कि पता नहीं कोई लोग सुना हुआ है कि मिलावट वगैरह कर देते हैं। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ईजी ईजी सा मेथड है। मोहम्मद किधर जाना है? गाड़ी बाहर जाना है। मोहम्मद रो रहे जी, और ये मोहम्मद को इसका भैया छोड़ के चला गया। इधर देखो, इधर देखो ना, मोहम्मद नाराज है। मोहम्मद, मम्मा जी बात नहीं करनी। ये देखें जी, साथ साथ इसको भी चलाना है और चम्मच ऐसे इसको बॉइल आ रहा है। ये देखें फ्रेंड्स, तकरीबन 10 मिनट तेज़ आंच पे पकाने के बाद इसको मैंने थोड़ा हल्की आंच पे कर लिया था और ये देखें घी निकलने का प्रोसीजर जो है ना स्टार्ट हो चुका है। देख रहे होंगे आप, ये देखें ये घी ऊपर आना शुरू हो गया। ये देखें फ्रेंड्स, काफ़ी अब आपको समझ आ गई होगी कि ये देखें घी। अभी इसको थोड़ी देर और पकाना है कि ये जो वाइट वाइट से थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना, ये इसको ना बिल्कुल ये ब्राउन हो जाए तब तक पकाना है इसको, जब तक ये सारा ब्राउन नहीं हो जाता। इसको चमचा चलाते रहिएगा, नहीं तो ये जो ना नीचे लग जाएगा। जैसे ये देखिए मेरे से लग गया है। बीच में बच्चे मुझे तंग करते हैं, थोड़ा उनकी तरफ जाना पड़ता है तो फिर ये छोड़ दो तो फिर जो है ना ये हाल हो जाता है। आप देखें फ्रेंड्स, ये देखें बिल्कुल ये घी रेडी है। इसमें एक चुटकी जो है ना एंड पे हल्दी डाली है ताकि इसका कलर जो है ना थोड़ा प्यारा सा कलर आ जाए। देखें आप, अब ये ठंडा होगा ना, फिर इसको ना हम एक बर्तन में उतार लेंगे। और ये देखें ये जो बच गया इसका जो है ना, मैं आपको किसी दिन ना हलवा बनाने का मेथड बताऊँगी। इसको भी हम ज़ाया नहीं करते हैं, इसका ना हम लोग हलवा बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।